हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ संडे स्पेशल लंच। मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल हलवा स्टाइल, और उसके साथ बनाऊंगी मैं पूरी हींग वाली। तो उसके लिए मैंने मिक्स वेज ले ली है, जो जो मेरे घर में अवेलेबल था सब सब्ज़ियाँ मैंने इसमें ऐड कर ली है। और साथ में लिए मटर और आलू। मैंने एक प्याज बारीक चॉप की है, ये मैंने थोड़ा सूजी का हलवा बनाया था। एक मैंने प्याज इसमें ऐड करी है बारीक चॉप करके, और मैंने इसमें दो टमाटर बारीक चॉप करके ऐड किए हैं, और चार मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल को ऐड करेंगे, ऑयल डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा ज़ीरा, आधा चम्मच। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर किया है। आज संडे था तो मेरी सिस्टर भी आई हुई थी और मेरी मम्मी भी आई हुई थी। तो ये देखिए, मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है आधा चम्मच। अब मैं इसमें एक चौथाई चम्मच हींग ऐड करूँगी। आज मैं चाउमीन भी बनाने वाली हूँ, बच्चों को चाउमीन बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, मैंने इसमें आधा चम्मच हींग ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। आप इस तरीके से एक बारी मिक्स वेज बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगेगी। मैं प्याज को भून लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए, प्याज अब अच्छे से भून चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, और ये मैंने चार हरी मिर्च ली है, इनको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको 2 मिनट चला के टमाटर गलने तक मैं पका लूँगी। ये देखिए, टमाटर पक चुके हैं। मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने हल्दी ऐड की है आधा चम्मच, ये छोटी चम्मच है इसलिए मैंने दो बार डाली है। और मैं ये लाल मिर्च ऐड करूँगी, ये भी मैंने आधा चम्मच ही ऐड की है। मसालों को अच्छे से भून लूँगी। अब मैंने इसमें ये मटर ली है, और मैंने इसमें दो आलू लिए हैं, मैं इसको भी ऐड कर दूँगी। आप क्वांटिटी अपनी फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं सब्जियों की। चलिए, मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अब आप मसाले में ही थोड़े आलू और मटर को आप थोड़ा भून लीजिए, उसका टेस्ट और ज़्यादा उभर कर आता है। ये देखिए, मसाले में मैंने मटर और आलू को अच्छे से भून लिया है, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सबको आज की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगी थी। ये देखिए, मैंने इसमें शिमला मिर्च ली है, मैंने इसमें चुकंदर लिया है, मैंने इसमें मशरूम भी ली है, शलगम है, मूली है, गोभी है, और शायद मैं भूल भी चुकी हूँ और क्या क्या। हाँ, मैंने इसमें गाजर भी ऐड की है। आप जो मर्ज़ी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं, सर्दियों का मौसम है, बहुत सारी सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। मैंने इसमें सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर ली है, मैं उनको अच्छे से चला लूँगी। अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि मसाले सब जगह अच्छे से घुल मिल जाएं, मसाले पूरी सब्ज़ी में। अगर आज का व्लॉग, ये मेरी फूड वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
ये देखिए मैंने चाउमीन भी उबलने के लिए रख दिया। ये देखिए कितनी कलरफुल हमारी सारी वेजिटेबल्स लग रही हैं, हेल्दी और टेस्टी। ये देखिए चाउमीन भी उबल करके तैयार है। मम्मा का सरप्राइज आ गया है। थैंक यू। कैसा लगा सरप्राइज? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। कहाँ है सरप्राइज? ये रहा। हेलो करो बेटो, हेलो करो। कहते हेलो। हाय करो चीचू। उधर दिखा देते हैं। ये रहा सरप्राइज। ओए हेलो। ओए ये रह गया भाई। किट्टू। ये रह गया भाई। किट्टू देख देख। नोनी। चलिए मैं सब्जी को चेक कर लेती हूँ, अच्छे से चला लेती हूँ। मैंने सब्जी दो तीन बार चला के अच्छे से पका ली थी। और ये देखिए चाउमीन भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। चाउमीन के लिए मैंने ली है दो प्याज ली है मैंने बड़ी, उनको मैंने लंबा लंबा चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च ली है और पत्ता गोभी ली है। चाउमीन की आपको फुल रेसिपी चाहिए तो मैंने 100 सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन में आपको रेसिपी दी हुई है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस सब्ज़ी में आप डालिएगा एक ढक्कन विनेगर डाल लीजिएगा और एक ढक्कन सोया सॉस डाल लीजिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं ये चाउमीन बना रही हूँ। ये देखिए मैंने वेजीज ऐड कर दी हैं, शिमला मिर्च और प्याज। अब मैंने इसमें पत्ता गोभी भी ऐड कर दी है। ये मैंने इसमें चाउमीन ऐड कर दी है। अब मैंने इसमें सोया सॉस ऐड करी है और विनेगर, सॉल्ट, और मैंने इसमें डाला है पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। आप इसको अच्छे से चला करके तैयार कर लीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। घर में बनी मैगी भी, सॉरी चाउमीन भी बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए चाउमीन बन करके बिल्कुल तैयार है, एकदम खिली हुई बनी है। इसमें ना ज़्यादा ऑयल डला हुआ है और बहुत टेस्टी। आप स्पाइसी नॉन स्पाइसी किसी भी तरह बना सकते हैं। और ये देखिए हमारी मिक्स वेज बन करके बिल्कुल तैयार है, कितनी यम्मी लग रही है देखने में, खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी। ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है, मैंने इसमें डाला है थोड़ा हींग और नमक डाल करके आटा गूंद करके तैयार कर लिया है। चलिए मैं पूरियां बना लेती हूँ। ये देखिए हमारी पूरियां भी अब बनने लगी हैं। कैसी लगी आपको आज की वीडियो बताना ज़रूर, और ये सब्ज़ी अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। घर में बनी चाउमीन बहुत टेस्टी लगती है, हमारे यहाँ सभी को पसंद है। हमारी दीदी के बच्चों को भी पसंद है, भाभी के बच्चों को भी पसंद है, सभी बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारा खाना बन करके तैयार है, अब मैं सर्व करती हूँ। ये देखिए सबको सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगी थी। मेरे जीजू, सिस्टर, बच्चे, मम्मा और मेरे हस्बैंड सब इंजॉय कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।